नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को 6 दिन की पुलिस रिमांड, खुद को निर्दोष बताते हुए रो पड़ी हनीप्रीत। अरुण शौरी का केंद्र सरकार पर हमला, नोटबंदी को बताया काले धन को सफेद करने की सरकारी स्कीम। अमेरिका ने कहा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के आतंकियों से संबंध है और यह उसकी विदेश नीति का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा फर्जी बैंक खाता धारकों को पकड़ने में मदद करेगा आधार। राहुल गांधी का योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला, कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। CPEC पर चीन को बड़ा झटका, भारत को मिला अमेरिका का समर्थन। रूसी हवाई हमलों में सीरिया में नुसरा फ्रंट के 12 फील्ड कमांडर और 50 रक्षक मारे गए। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया कश्मीर मुद्दा, भारत ने दिया करारा जवाब। अमेरिका ने क्यूबा के 15 राजनयिकों को निष्कासित किया। वीरेंद्र सहवाग ने कहा IPL नीलामी को लेकर चिंतित हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, इसलिए नहीं कि मैच के दौरान छींटाकशी। सुरेश रैना को उत्तर प्रदेश रणजी टीम का कप्तान बनाया। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।